एक राइटर एक वैम्पायर लड़की के प्यार में पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उस वैम्पायर लड़की की सिस्टर उस राइटर को रिझाने की कोशिश करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक मूवी को जिसका नाम है किस ऑफ द डैम्ड, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही एक बड़े से घर में हम जुआना नाम की बंदी को देखते हैं। वो आज रात एक रोमांटिक मूवी देख रही थी, उसे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। अगली सुबह हम घर में ब्लड पड़ा हुआ देखते हैं, उसकी मेड वहां पर आकर उस ब्लड को साफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में जाती है, यहीं पर उसकी नज़र पाउलो से मिलती है। पाउलो को भी जुआना बहुत अच्छी लगी थी, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए जुआना घर जाने के लिए थोड़ा वेट करती है। फिर पाउलो उसे अप्रोच करता है, वो उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। फिर दोनों ड्रिंक के लिए आते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। पाउलो एक्चुअल में एक स्क्रीन राइटर है, वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए एक डिस्टिंक्ट टाउन में आया हुआ था। जुआना कहती है मैं पोएट्री ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ। उसे एक रेयर स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से वो सनलाइट में बाहर नहीं जा सकती, उसे दिन भर घर में काम करना पड़ता है। ये दोनों फिर जुआना के घर पर आकर TV देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पाउलो जुआना को किस करने लगता है। जुआना फिर रियलाइज़ करती है ये बहुत बड़ी गलती होगी, वो उसे रोक लेती है और उसे जाने के लिए कहती है। पाउलो कहता है मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। जुआना का पाउलो को इस तरीके से जाने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता और इस बात के लिए वो बहुत रोती है। फिर अगले दिन पाउलो जुआना के घर पर कॉल करता है जिसे मेड ने पिक किया था। वो जुआना के लिए मैसेज देता है कि आज रात को वो एक बार में उसका वेट करेगा। वो बार में काफ़ी टाइम तक वेट करता है लेकिन वो नहीं आती। वो डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच जाता है। जुआना डोर पर चेन लगाकर डोर को थोड़ा सा ही ओपन करती है, वो उसे अभी भी अंदर नहीं आने दे रही थी। पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बीमारी है हम सारा कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। वो बाहर से ही उसे किस करने लगता है। किस करते हुए पाउलो के लिप पर वो उसे बाइट कर देती है, ये बहुत ही डेंजरस वाइब था। फिर जुआना पाउलो को घर जाने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह शॉप में दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। जुआना उसे देखकर चली जाती है, वो अगली रात को फिर से उसके घर पर पहुंच गया था। आज रात जुआना उसे अंदर आने देती है, वो जुआना को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। जुआना कहती है मेरे पास आओ, वो उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहती है। वो उससे कहती है मेरा दिल ही नहीं है, मैं सनलाइट में कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, मैं एक वैम्पायर हूँ। पाउलो उसकी बात पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता, वो उसे फिर अपने बेडरूम में लेकर आती है। यहाँ पर उसने चैन वगैरह बांधी हुई थी, वो उसे बांध देता है और उसे किस करने लगता है। उसे ये गलत लग रहा था लेकिन उसे देखना था जुआना उसे क्या दिखाती है। वो जब एक्साइटेड हुई तब उसके दांत निकल आए थे, उसकी आंखों का कलर भी बदल गया था। पाउलो को फाइनली बिलीव हो जाता है, वो फिर भी नहीं डरता और जुआना की चैन खोल देता है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है, तभी जुआना पाउलो को काट लेती है। अगली सुबह होने पर जुआना पाउलो से कहती है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पाउलो को काटने के बाद वो भी अब वैम्पायर बन जाएगा, यही एक तरीका था जिसकी वजह से वो उसके साथ रह सकती थी। वो अब उसे इस वर्ल्ड के बारे में सारी चीजें सिखाएगी। इनकी घर में जो मेड है उसे रियर ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जुआना को उसका ब्लड टेस्ट करने की एक्साइटमेंट नहीं होती। वो किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करती, सिर्फ एनिमल के ब्लड पर ही जीती है। जुआना पाउलो से कहती है हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, अगर हमें चोट भी लगती तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। जुआना पाउलो को शिकार करना सिखाती है। इसी के दूसरी तरफ हम मिमी नाम की बंदी को देखते हैं। मिमी एक रेकलेस वैम्पायर है जो उसे लगता है वो उसे कर डालती है, वो किसी को भी मार देती है, किसी भी सिटी में चली जाती है। एक रात अचानक से वो पाउलो और जुआना के पास आ जाती है, वो जुआना की सिस्टर होती है। जुआना हमेशा मिमी के बिहेवियर्स के लिए उसे हेट करती है। मिमी उसे आकर कहती है मैं एक हफ्ते के लिए यहीं पर रहूंगी। एक्चुअल में जिस घर में वो रह रहे हैं ये उनका नहीं है, ये एक वैम्पायर एक्ट्रेस का है, उसने इन लोगों को रहने के लिए जगह दी हुई थी। फिर रात में ये सब मिलकर बात कर रहे थे। एक्चुअल में मिमी 5 साल से एक ही जगह पर रह रही थी। अब वो कहती है मेरे फ्रेंड्स और सारे लोगों को मेरे बारे में पता चलने लगा था, इसकी वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। पाउलो को मिमी से बात करते हुए उसे लगता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन जुआना उसे कहती है वो क्रेजी है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जब जुआना और मिमी बात कर रहे थे मिमी कहती है क्या तुम अकेली पड़ गई थी, क्या इसीलिए तुमने पाउलो को बदल दिया।
तुमने कहा तुम उससे प्यार करती हो, अगर सचमुच में करती तो उसे इस तरह से नहीं बदलती, क्योंकि वैम्पायर की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। जोआना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसने एक्ट्रेस को कॉल लगाया और उसे कहा मिमी यहाँ पर नहीं रह सकती, वो आउट ऑफ कंट्रोल है और कुछ भी कर सकती है। एक्ट्रेस कहती है मिमी ने मुझसे बात की थी, वो बदल रही है। इसके बाद हम देखते हैं एक रात पाउलो जोआना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसे पता था जोआना को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। वो उसे कहता है मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, हम कहीं और जाकर एक अच्छा सा घर बाय कर सकते हैं, एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। जोआना को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, अब इनका प्लान बन चुका था। इसी के दूसरी तरफ मिमी एक क्लब में जाती है, वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है और उसके साथ इंटीमेट होकर उसे बदल देती है। आज रात जोआना और पाउलो ने एक एनिमल की शिकार की थी। इसी एनिमल को जब पाउलो बाइट कर रहा था तभी मिमी भी उसके पास आती है। वो उससे कहती है जोआना को तुमने बाइट करने दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, मुझे तुम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगते हो जो उसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। वहाँ पर वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पाउलो उससे भाड़ में जाने के लिए कहता है। इसके बाद एक रात एक्ट्रेस के यहाँ पार्टी में आए हुए थे। यहाँ पर जोआना पाउलो को सब लोगों से मिलवाती है। इस पार्टी में सारे लोग वैम्पायर थे। कुछ लोगों को वैम्पायर की लाइफ अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को नहीं। जब ये सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे तभी कुछ लोग कहते हैं हमें ह्यूमंस पर हमला करना चाहिए, ये वर्ल्ड अब हमें बिलोंग करता है। एक्ट्रेस कहती है मेरे पास सिंथेटिक ब्लड है, गवर्नमेंट हमें सप्लाई कर सकती है, अब तक किसी भी ह्यूमन को पता नहीं है, अगर पता चला तो हम इन्हें मार डालेंगे, इस वजह से गवर्नमेंट से कुछ भी बात नहीं कर सकते। मिमी इस पार्टी से जल्दी घर चली गई। वो दो लोगों के साथ जाकर घर में इंटीमेट हो रही थी। जब जोआना घर पर पहुंची तब इन लोगों को घर से बाहर निकाल देती है। इन दोनों में झगड़ा हो गया था और बहुत रात हो चुकी थी। ये दोनों लोग जब घर से बाहर निकले तब डर रहे थे, अचानक से मिमी ने उन पर हमला कर दिया। जब वो दोनों लोग गायब हो गए तब जोआना मिमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसे कन्फ्रंट करती है और उसे कहती है वो लोग कहाँ गए। तब मिमी कहती है वो लोग हॉस्पिटल में होंगे। जोआना उस पर चढ़ रही थी तब मिमी ने डायरेक्ट उसका गला पकड़ लिया। वो कहती है मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं अब बहुत दिन हो चुके थे और पाउलो ने अपने एजेंट को कॉल नहीं किया था, एजेंट उसके लिए वरी कर रहा था। इसके बाद वो उसके टाउन में आ गया, हर जगह पर उसने ढूंढने की कोशिश की, वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। फाइनली वो बार में आता है और एक बारटेंडर से बात करता है, वो उसका पता पूछता है। एक्चुअल में वो बारटेंडर पाउलो को लाइक करती थी इसलिए उसे पता था पाउलो अब जोआना के साथ रिलेशनशिप में है। एजेंट जोआना के घर पर पहुँचता है, वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुका था। तब पाउलो उससे कहता है अब मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है। एजेंट ने जब ये पेचेस पढ़े वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ और वो जोआना से कहता है तुम्हारी वजह से पाउलो में बहुत बड़ा चेंज आया है, पहले वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बहुत ही अजीब सी बुक लिखता था, अब इस बार उसने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, फाइनली वो इंसानों की तरह लग रहा है। वो उन दोनों के लिए बहुत ही खुश था। इनका डिनर हुआ और एजेंट बहुत ही ड्रंक हो चुका था। वो पाउलो से पूछता है क्या मैं आज रात यहीं पर रुक सकता हूँ, इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। रात में अचानक एजेंट पर किसी ने हमला कर दिया, ये सपना जोआना को आता है। सुबह होने पर वो एजेंट का रूम देखने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है ये सपना नहीं था, एक्चुअल में उसने एजेंट को मारा था। वो रात में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ये सारी जगह साफ वगैरह करके उसे कंट्रोल में ले लेती है। पाउलो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती। जोआना को लगता है मिमी उसकी लाइफ में फिर से वापस आई, उसी की इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मिमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल किया, वो कहती है मिमी किसी को भी बदल रही है, हम उसे इस टाउन में नहीं रहने दे सकते। एक्ट्रेस कहती है थोड़े दिनों में मेरा प्ले है, वो यहाँ से चली जाएगी, थोड़े दिनों की ही बात है, ये सारी बातें यहाँ की मेट सुन रही थी। फिर इसके बाद उस एक्ट्रेस की प्ले की नाइट आती है, ये प्ले बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। ये प्ले देखने के लिए जोआना और पाउलो आए हुए थे लेकिन वो जल्दी ही यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एक्ट्रेस से मिलने के लिए एक टीनेजर लड़की बहुत ही एक्साइटेड थी, उसे मिमी देख लेती है और वो उसे कहती है मैं उस एक्ट्रेस की फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो। आजकल जोआना मिमी को लेकर बहुत ही वरीड थी। पाउलो जोआना से कहता है ज़्यादा वरी मत करो, वो शावर ले रहा था। फिर अचानक से मिमी उसके पास आ जाती है, वो उसे किस करने लगती है, वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और जाते जाते उससे कहते अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते, इसमें गलती तुम्हारी भी है। ये जोआना से रिवेंज लेने का मिमी का प्लान था। इसके बाद अगले सीन में टीनेजर को लेकर मिमी एक्ट्रेस के घर आ गई, उन दोनों को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया।
एक्ट्रेस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो मिमी से अकेले में बात करती है और वो कहती है, 100 ईयर से मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है। जैसे जैसे टाइम बीत जाता है अपने आप को कंट्रोल करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मिमी कहती है, मैं उसे लेकर जाती हूँ। मिमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया लेकिन ये ग्लास टूटा हुआ था जिसकी वजह से टीनेजर इंजर्ड हो जाती है। ब्लड देखकर एक्ट्रेस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो इस टीनेजर को मार डालती है। इसके बाद मिमी एक्ट्रेस से कहती है, इन सारी चीज़ों को मैं देख लूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ तुम मुझे इस टाउन में एक घर लेकर दो। मिमी हमेशा से यहीं पर रहना चाहती थी, ये प्लान उसने इसीलिए बनाया था। उसने एक्ट्रेस को फंसा लिया और उससे पैसे लेकर अपने लिए एक घर बाय करेगी। अगले दिन पाउलो और जोआना एक नई सिटी में जाकर अपने लिए घर खरीदने वाले थे लेकिन अब दोनों को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। मिमी और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ ये सारी बात वो जोआना को बता देता है, जिसे सुनकर जोआना बहुत ही हर्ट हो जाती है। वो बहुत रोई और इन दोनों ने इस बात पर बहुत सोचा। जोआना फिर कन्फेस करती है और कहती है, तुम्हारे एजेंट को मैंने मार डाला था। हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, दोनों अपनी लाइफ एक साथ ही जीना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को उन्होंने माफ कर दिया था। फिर जब मॉर्निंग में मिमी घर पर आ रही थी तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है जिसकी वजह से उसका कंट्रोल चला जाता है। गाड़ी एक पेड़ से टकराती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। अगर वो पूरी तरह से सुबह होने से पहले घर पर नहीं पहुंची तो उसकी स्किन जलने लगेगी लेकिन अपनी चोटों की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। सनलाइट की वजह से उसकी स्किन जलने लगी थी। वो रेंगते हुए अपने घर आने की कोशिश करती है लेकिन रास्ते में उसे उसकी मेड मिलती है। मेड ने जोआना की बातें सुन ली थी, उसे पता था मिमी एक बहुत ही घटिया वैम्पायर है। वो इनोसेंट ह्यूमन को मार डालती है जिसकी वजह से वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती। फिर मेड ने मिमी को मारकर उसकी बॉडी बैग में भर दी। इसके बाद पाउलो और जोआना अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सिटी में चले गए। ये जैसे भी हैं वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।